Hi guys, good morning, welcome to the vlog. Good afternoon, welcome to the vlog. और ये vlog शुरू हो रहा है काफ़ी लेट, काफ़ी बीच रास्ते से. तो हम आज गैंगटॉक से एक्चुअली चेकआउट कर चुके हैं और दार्जिलिंग जा रहे हैं. बीच में हमारी गाड़ी चेंज हुई है, सो वो गैंगटॉक वाली गाड़ी एक आधे रास्ते से आई थी, अब यहाँ से बंगाल की गाड़ी मिल गई है. तो अभी हमने यहाँ पे अपने इस गाड़ी में सामान वामान रखा है एंड इसके बाद हम लोग दार्जिलिंग जा रहे हैं. बीच में तीन पॉइंट्स हैं जहाँ हम रुकेंगे, जहाँ हम देखेंगे, मतलब घूमेंगे फिरेंगे एंड उसके बाद वी विल रीच टू आवर होटल. एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो, कैन यू सी द रिवर हियर? सो इस रिवर का नाम है तीस्ता रिवर. ये गैंगटॉक या बंगाल में किसी एक ही रिवर है, तो तीस्ता रिवर है. यहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी होती है ऐसा बोल रहे हैं, ऑल्दो मुझे अभी तक एक भी बोट जाती हुई नहीं दिखी है, बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि होती है. तो बोल रहे हैं तो होती होगी, मे बी थोड़ी देर में शायद स्टार्ट हो. तो हम क्विकली, हमारा जो ड्राइवर है वो चाय पानी पीने गया है, वो पी के आ जाए और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे. हेलो, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस कार्ड मैं कहाँ खाऊंगी? ओ भाई, ये टी गार्डन तो है भाई, ये टी गार्डन के चढ़ाई वाले गार्डन है. इसको आईना एयरपोर्ट नहीं, मुझे आ जाएगी. पता नहीं क्या हो रहा है, कल से अब से नाथुला से वापस आए ना, अब सर किसी ने ऑक्सीजन सोख लिया है. रात भर थोड़ा चेस्ट पे हैवीनेस है और अभी यहाँ पे भी ना सांस काफ़ी फूल रही है. तो ब्यूटीफुल ऐसे डॉगी जगह जगह भागता है, फिर अपनी एक जगह सूंघता है, फिर वहीं खड़े होकर पॉटी करता है. नहीं, इसको यार यहाँ पे खाना भी अच्छा है, लेकिन केशर की थोड़ी दिक्कत हो रही है बिकॉज मोमोज ज़्यादा है. अरे वो मोमोज ने ज़्यादा खा लिया तो मैदा पेट में दिक्कत करी, इज़ नॉट एबल टू डू पॉटी, तो वो इसलिए बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है एंड आ रही है बड़ा दी कॉन्स्टिपेशन है, तो वो भी उसको दिक्कत है. जस्ट ट्राइंग इन दिस टी गार्डन के भाग ले, डायपर बना रखा है, पॉटी कर ले, सो पेट साफ हो जाएगा तो हिल भी हैप्पी. ओ भाई ये कीड़ा चल रहा था मेरे हाथ पे भी, एक कीड़ा. आंटी दिख रही है, तुम कौन हो? दादाजी हैं तुम्हें? सब आंटी अंकल दिखते हैं, तुम लल्ले बने रहो. क्या है तुझे? तो आंटी क्या बोल, दीदी बोल दो. आंटी दिख रही है, तुमसे कम उम्र की है वो, तो है तो जो है आंटी. मेरे काम वाली भगा दी चक्कर में, आंटी बोल बोल के उसको. वो भगाने लायकी थी. चुप रहो तुम, ठीक है? हाँ आंटी, कभी आंटी का भी बेटा. नेगेटिविटी की दुकान भूत प्रेत है, ये मर गया. अभी आपको वॉमिट हुई है ना? अभी तो वॉमिट हुई है बेटा, अभी तो उल्टी हो जाएगी बेटा. देखो सब आपके ऊपर भी आई क्या वॉमिट? आपके ऊपर कहाँ से आई? इधर की तरफ की है, पता नहीं कैसे आई सारे पे. अरे ठीक है यार, उल्टी होना अच्छी बात है. अच्छी हो गई, किसी अपनी गाड़ी की चिंता हो रही है. कौन ड्राइवर को क्या कह रहा था? कह रहा किसी से उसने, अरे सारे में उल्टी कर दी. पहले को उल्टी कहाँ करी है भैया ने, कह रहा था हमारे कपड़े पे तेरे तो की नहीं है. फाइनली वी हैव रीच आर होटल एंड केशव की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है क्योंकि उसको दो बार वॉमिट हो चुके हैं, पेट में बहुत दर्द है. तो वी गोना टॉक टू आर डॉक्टर नाउ. सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो होटल है वो मॉल रोड पे है, तो मॉल रोड पे कार नहीं आती है, तो हमें एवरी टाइम वील हैव टू वॉक अप एंड वॉक डाउन. जैसे हमें घूमने जाना है तो हमें पूरा एटलीस्ट 250-300 मीटर का वॉक है, वो पूरा वॉक करने के बाद हमें हमारी गाड़ी मिलेगी एंड देन ऐसे हमारा ड्रॉप भी होगा, तो वो थोड़ा चैलेंज हो सकता है. हेलो, हाँ मेरे बच्चे ने कितनी सारी, हाँ बेटा वेरी गुड, इसको खोले नहीं कार्तिक. उन्होंने कहा था गीजर जब भी आपको यूज करना है उससे 15 मिनट पहले गीजर ऑन कर दे. गीजर ऑन कर दो, मूव हो गए और गीजर ऑन कर दिया है. और मैं एक बार देखती हूँ, इसके लिए फ्रूट्स मंगवाने हैं और कुछ खाने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री से कह रहे हैं हम बैग में. अच्छी फूड वैरायटी है और प्राइसेस भी बहुत सही है, 150 रुपये, 160 ऐसे करके प्राइस. आई लाइक द रूम, इट्स कोजी एंड नाइस. हाँ आई थिंक यस, यहाँ पे इस टाइप के मिलेंगे, यू विल नॉट गेट अ लैविश बड़ा रूम. एंड इवन इफ यू लुकिंग फॉर अ लैविश वॉशरूम, देखने तो खोल के कैसा है? आई हैव नॉट सीन द वॉशरूम.
I like the washroom. But ha, it's nice, spacious. It's very nice, spacious. बकेट भी है भाई. हाँ ऐसा नहीं गुच्छू गुच्छू सा. गीजर ऑन है, गीजर ही लगा हुआ है. बस मैंने ये पढ़ा था कि टीवी इनके पास जो टीवी लगा है टीवी चैनल्स नहीं है. ये है ना वार्डरोब, इज इट ओपनेबल? है ना. ओके सो दैट्स द रूम एंड लेट मी शो यू द बालकनी. That's the balcony we have, and we have an entrance to the lawn as well. This is the lawn, so it's nice, pretty weather, pretty view, nice. So चलो view तो अच्छा है. पागल हो रहा है. सैंडविच मंगवाया भी आ जाएगा तो खा लेना. सही है ना व्यू? यहाँ बैठ जाओ, है ना. उससे ज़्यादा बेटर है ना उधर वाले के व्यू से. पर ये ज़्यादा खुला खुला नहीं है, उसका रूम थोड़ा बड़ा था, उसका रूम थोड़ा छोटा है. हे गाइस वेलकम टू द व्लॉग. और आज पहला दिन है, मतलब कल तो हम आए थे दार्जिलिंग में, पहला दिन है. और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग जा रहा है क्योंकि केशु की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी है. इज़ लाइक उसको जितना मुझे समझ में आ रहा है उसे तो कोई स्टमक इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि वट एवर ही इज़ ईटिंग ही इज़ जस्ट प्यूकिंग आउट. उसे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है. उसने लास्ट दो दिन से पॉटी नहीं की है. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न. एक्चुअली यहाँ के खाने में ना मैदा बहुत है, तो यहाँ पे जो रोटियाँ भी है ना, नॉर्मल रोटी जो हम खाते हैं उसमें वो लोग मैदा मिक्स कर रहे हैं. तो आई थिंक उसको मैदा हो गया है, मैदा जम गया है पेट में, जो कि उसको बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहा है. तो आज संडे है तो यहाँ कोई डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं. मेरे को संडेज को डॉक्टर्स अवेलेबल होते नहीं. मैं ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर चुकी हूँ, जो दवाइयाँ उन्होंने बताई वो दे चुके हैं हम, क्योंकि हम लेके आते हैं अपने सारे सारे दवाइयाँ, पर किसी से ऐसा कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है. तो आई एम लिटिल बिट अफ्रेड नाउ. कार्तिक अभी गए रेस्टोरेंट में, मैंने कहा यू गो एंड टॉक टू देम एंड गेट इट, क्योंकि यहाँ रूम सर्विस तो मुझे लगता नहीं है ये लोग प्रोवाइड करेंगे. इस चीज़ के लिए करेंगे तो घंटे करेंगे. एंड आई टू गिव हिम इमीडिएटली, प्लस ही इज़ हंग्री ऑल्सो. तो उनका जो ब्रेकफास्ट बूफ है वो 7:30 बजे शुरू होगा. आई टेल देम यार आपका ब्रेकफास्ट तैयार तो हो ही रहा होगा, एक ब्रेड सेक के दे दो. तो बच्चा थोड़ा कुछ खा ले, बिकॉज वो बार बार मेरे पास था, मैंने रात मंगवाया था पास, उसके ब्रेड को उठाने की खाने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज हंगरी है, कुछ खाया नहीं है. तो मैं कहा कुछ खा लेगा तो ठीक है, बट एटलीस्ट उसको दवाई भी दे देंगे हम. बट आई डोंट नो, थोड़ा सा चैलेंजिंग जा रहा है. ठंड काफ़ी है यहाँ पे. मौसम आपको मैं बाहर का दिखा दूँ, देखो पूरा फॉगी है, पूरा फॉगी है. रात बहुत बारिश हुई है. यहाँ के रूम्स में ना एसी नहीं है, फैन नहीं है, अगर ज़रूरत ही नहीं पड़ती. एक सेकंड दरवाजे पे है. ठंडा है ना जैकेट, जैकेट दे दे, कोई शॉल स्वेटर सब तो दे दे. जैकेट ही लाए उसकी, जैकेट पीली वाली जैकेट कहाँ से? वही देख रही हूँ, वही देख रही हूँ. मान लिया नहीं चुकी थी यहाँ पर, बाहर ही होगी नहीं, वो तो बाहर ही होगी बेटा. जैकेट हाँ, अभी कार्तिक ने पैकिंग में अंदर रख दी उसने. वो तो आदमी थी ना, इसमें इसमें नहीं, यहाँ पर अलमारी था हमारी. मिल गई. बाहर ठंडा हो रहा है, पूछ रहे ठंडा हो रहा है क्या बाहर? इसे गोदी अब क्या है, इसको पेट में भी दर्द हो रहा है, इसे पोटी भी आ रही है, इसे भूख भी लग रही है. ब्रेड खा लूं मैं? हाँ मेरे पास्ता की ब्रेड उठा उठा के खाने की कोशिश कर रहा है बार बार. बेटा सारे झूले गीले पड़े. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जा चलने, चलने, मैं सोचा था सुबह यहाँ अपनी बालकनी में बैठ के सुबह की चाय एंजॉय करेंगे, व्यू एंजॉय करेंगे, बट केशु की इतनी तबीयत ख़राब है. अरे पापा मम्मी के साथ यहाँ पे झूले हैं, दो चार झूले हैं बच्चों के लिए, अच्छी चीज़ है. वहाँ गया है, गीले हो रहे. रात भी बहुत बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है. तो मम्मी अब बेचारी अपने कुर्ते से उसको स्लाइड को पूछ के उसको थोड़ा स्लाइड करा रहे कि मे बी थोड़ा सा उसका मूवमेंट होगा. फटना था नहीं क्यों, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मन कर रहा है कि बस कहते थे फटाफट दिल्ली वापस चलूँ. क्योंकि अपने घर में होते ना 50 चीज़ें आपके पास होती हैं, आप फटाफट बच्चों को ठीक कर दे, डॉक्टर आपके एक्सेस में होते हैं, फ़ोन पे मेडिकल स्टोर एवरीथिंग इज़ एक्सेसिबल. यहाँ पे क्या है ना कि
कुछ एक्सेसिबल है नहीं। अगर अच्छा यहाँ पे ना मुझे हॉस्पिटल्स भी नहीं पता नहीं, मतलब मैं इतना इंटरनेट पर सर्च करी, आई एम नॉट एबल टू फाइंड हॉस्पिटल्स लाइक हैं डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं। गवर्नमेंट वाले जो प्रॉपर प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो नहीं है, तो अगर इमरजेंसी आपको लेके जाना हो वो भी मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। सो बहुत ही ना स्टक वाली फीलिंग आ रही है। हम सब लोगों का रेडी, अब जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, और आप देख सकते हो मैं कितनी टायरिंग फील टायरिंग लग रही हूँ क्योंकि मैं हूँ। मौसम देख लो आप, क्लाउड्स है, ये फॉग नहीं है, इट्स क्लाउड, इट्स टोट पूरा क्लाउडी हो रखा है यार माहौल, अच्छा लग रहा है। अभी दिल्ली में तो कभी बहुत ही कम ऐसा मौसम हो पाता सर्दियों में, एक हफ्ते की ठंड पड़ती है। पर ये देखो केशु को अभी मैंने थोड़ा मस्टर्ड ऑयल की मालिश करी उनसे मंगवा के, हींग लगाया इसको, हाँ एक डाइपर। और चश्मा का है, लुक एट कार्तिक, ही इज लुकिंग सो टेंस्ड, पर ठीक हो जाएगा। कार्तिक से फोर्स नहीं करना ना बनाने के लिए, जितना खाए प्यार से, ये बड़ा मम्मी आराम से खा रही है, या फोर्स मत करना बिल्कुल भी, है ना, क्योंकि डॉक्टर ने बोलते बिल्कुल उससे बच्चे को फोर्स मत करना। बस अपना केशु, अच्छा नानी को बोले फटाफट गा सुना मेरी जा।